और दोस्तों अभी अभी के सबसे बड़ी खबर, पुलवामा के बाद पाक सेना पर भी आत्मघाती हमला, 9 की मौत, 11 घायल। जी हाँ दोस्तों, पुलवामा हमले के 3 दिन बाद पाक सेना को भी आत्मघाती हमला का शिकार होना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे इस खबर के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा विनती है, इस वीडियो पे एक लाइक जरूर करें और इसके साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमारे वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं खबर की तरफ। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान सेना पर बलूचिस्तान के चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के पास आत्मघाती हमला हुआ। हमले में 9 सैनिकों की मौत और 11 सैनिकों के घायल होने की खबर है। द बलूचिस्तान पोस्ट की खबर के मुताबिक तुरबत और पांजगुर के बीच हुए हमले की जिम्मेदारी बलूचराजी आजोई संगर संगठन ने ली है। यह संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, बलूच लिबरेशन आर्मी और बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स का वायु संयुक्त संगठन है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के पाकिस्तान आने से कुछ घंटे पहले ही ये हमला हुआ। दोस्तों और एक बड़ी खबर आप यहाँ पर देख सकते हैं। पाकिस्तान ने जैश को लेकर फिर बोला शर्मनाक झूठ, बताया 2002 में लगा दिया था प्रतिबंध। पाकिस्तान ने रविवार को एक बार फिर पुलवामा हमले की जिम्मेदारी लेने वाले आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद को लेकर शर्मनाक झूठ बोला। पाकिस्तान ने कहा कि जैश को 2002 में ही प्रतिबंधित कर दिया गया था और इस्लामाबाद इस प्रतिबंध के दायित्व को पूरी तरह निभा रहा है। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैजल ने हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने के भारतीय आरोपों को खारिज कर दिया। फैजल ने कहा, ये आरोप हमले के बाद बेहद कम समय में और बिना किसी जाँच के लगाए गए हैं। पहले से तय ऐसे आरोप बेकार है, पहले भी ऐसी घटनाओं के बाद भारत की तरफ से ऐसा किया जाता रहा है। फैजल ने कहा कि भारत को इस हमले के जिम्मेदार अपनी सुरक्षा और खुफिया लापरवाही को लेकर सवालों का जवाब देने और आत्ममंथन करने की जरूरत है। और एक बड़ी खबर आप देख पा रहे होंगे, भाजपा नेता की चेतावनी, 1000 कपड़े खोद कर रखे पाक, जल्द लगेगा लाशों का अंबार। गुरुवार को पुलवामा में हुए आतंकी हमले पर देश का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूरा देश इस हिंसा का प्रतिशोध लेना चाहता है। इसी क्रम में भाजपा प्रवक्ता विजय शंकर शास्त्री ने कहा है कि पाकिस्तान को 1000 कब्रें खोदकर रख लेना चाहिए, क्योंकि उसके उन सभी आकाओं की लाशों गिरने वाली है जो उसकी जमीन पर बैठकर हिंदुस्तान के खिलाफ आतंक को पैदा कर रहे हैं। शास्त्री ने कहा कि भारत एक शांतिप्रिय देश है, पूरे इतिहास में भारत ने कभी किसी दूसरे देश पर हमला नहीं किया, क्योंकि हम दूसरे के मान सम्मान की कद्र करने वाले लोग हैं। लेकिन जब बार बार देश के स्वाभिमान को कायराना हरकत के माध्यम से चलने की कोशिश की जाएगी तो वे प्रतिक्रिया करने के लिए पूरी तरह सक्षम और स्वतंत्र है। दोस्तों आप इस वीडियो को नीचे लाइक कीजिए तथा नीचे के लाल बटन पर दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी भी जरूर दबाइए। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे जी न्यूज़ के नए रिपोर्ट।